अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ब्रेड और चॉकलेट की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आपके बच्चे तो बहुत पसंद करने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले चॉकलेट को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, और उसके बाद एक हम ग्लास लेंगे, उससे बीच से ब्रेड को इसे राउंड शेप का कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कुकीज़ कटर से भी कट कर सकते हैं, कोई भी शेप का कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्लास से कट कर रही हूँ राउंड शेप का। ऐसे ही हमें सारे ब्रेड को कट कर लेना है जितना आपको बनाना हो। यहाँ पे मैं दो बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने चार ब्रेड को कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं गेहूँ का आटा ली हूँ थोड़ा सा, और उसमें पानी ऐड करके इसका फाइन बैटर बना लेंगे, पतला घोल बना लेंगे इसका, ये देखिए ऐसे। उसके बाद हम इस घोल को ब्रेड के किनारे किनारे लगाएंगे। इसमें फिलिंग को डालेंगे यानी कि चॉकलेट को। ऐसे ही हमें सारे ब्रेड के किनारे में ऐसे लगा लेना है इस घोल को। और अब इसके ऊपर से ऐसे चिपका लेंगे और किनारे से ऐसे प्रेस करते हुए दबा लेंगे। एक हमारा ये बन गया है, दूसरा को भी ऐसे ही भर लेंगे फिलिंग को। आप चॉकलेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा दोनों फिलिंग बन के तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, और पैन में आप घी या ऑयल कुछ भी डालिए। हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल दिए हैं ब्रेड को। अब पलट लेते हैं, नीचे से थोड़ा सीख गया है, और दोनों साइड से हमें अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है ताकि हमारा चॉकलेट जो भी है बीच से वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत ऑयल था वो इसे प्रेस करते हुए इसे निकाल लेंगे हम। और ये अब सीख चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं, और इसे कलरफुल चॉकलेट से गार्निश करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।